Hello everyone, I am Sarita Srivastav from Mahatma Gandhi Sikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 3. बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था आपके पाठ्य पुस्तक से अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम, जिसको हम लोग बनाए थे. आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न पत्र 2 दिया हुआ है, उसको उसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके पाठ 9 से पाठ 16 तक का है. तो पहला प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए. जैसा कि आप जानते हैं कि वैकल्पिक प्रश्नों में 3 विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से जो सही विकल्प है उसे हम उसी के आगे जो बॉक्स दिया रहता है उसमें हम टिक लगाते हैं, या उसी को हम लिखकर प्रश्नों का सही जवाब बनाते हैं. तो पहला प्रश्न है बच्चों कि सुदामा को द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से मिलना चाहिए, यह जिद किसने की थी. 3 विकल्प है, सुदामा की पत्नी ने, सुदामा की बेटी ने, या सुदामा की माँ ने. तो बच्चों, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से जिद करी थी कि आप द्वारिका जाकर कृष्ण से मिलिए. तो यहाँ पर बॉक्स में हम सुदामा की पत्नी का के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सही का निशान लगा दिए. अब है ख में प्रश्न है बच्चों कि कबूतरों का मन क्या देखकर ललचा गया. अब 3 विकल्प दिया हुआ है, गेहूं के दाने, धान के दाने, या मक्का के दाने. तो बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि कबूतरों का मन गेहूं के दाने को देखकर ललचा गया था, तो यहाँ गेहूं के दाने हैं. इसके आगे जो विकल्प बॉक्स बना है वहां पे हम 9 का चिन्ह लगा, सही का चिन्ह लगा दिए. अब तीसरा में है बच्चों कि गंगा कृष्णा कावेरी क्या है. गंगा कृष्णा कावेरी क्या है, यहाँ 3 विकल्प है, नदियां, पर्वत, झरने. तो गंगा कृष्णा कावेरी नदियों का नाम है, तो यहाँ पर नदियां दिया हुआ है, जिसके आगे हम सही का निशान लगा दिया. भ में प्रश्न है बच्चों कि खून साफ करने के लिए हमें नीम के कौन से भाग का उपयोग करना चाहिए, पत्तियों का, छाल का, या जड़ का. तो बच्चों, खून साफ करने के लिए हमें नीम के छाल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छाल को पानी में उबालकर पीने से खून साफ हो जाता है. तो इस तरह से आपने देखा वैकल्पिक प्रश्नों का जवाब हो गया. अब है रिक्त स्थान भरिए. अगला प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थान को भरिए. अब यहाँ पर दिया हुआ है क में प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में डैश रंग हैं. तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जैसा कि आप जानते हो कि 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा. तो हम यहाँ पर 3 रंग लिख दिए. अब ख में है भांगड़ा, डैश भारत का नृत्य है. तो भांगड़ा उत्तरी भारत का नृत्य है. ग में प्रश्न है बच्चों कि एक दिन शेर ने सारा डैश छान मारा. तो एक दिन शेर ने सारा जंगल छान मारा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था. तो यहाँ पर जंगल शब्द भराएगा, तो यहाँ जंगल भर दिए. अब है घ में प्रश्न है बच्चों कि खरगोश डैश के बाद घर शेर के सामने पहुंचा. अब यहाँ पर खरगोश कब पहुंचा था शेर के पास, आप कहानी में पढ़े थे कि दोपहर के बाद खरगोश जो है वह शेर के सामने पहुंचा था. तो यहाँ पर दोपहर भर दिए कि खरगोश दोपहर के बाद शेर के सामने पहुंचा था. तो इस तरह से आज हम लोग 2 प्रश्नों को बनाए हैं. अब आगे अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न पत्र 2 के कुछ और भी प्रश्न को अगले वीडियो में बनाएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.